रितेश ये तेरा लास्ट सेमेस्टर था, इसमें भी तू फेल हो गया ना, अब कैसे करेगा मुझसे शादी? तेरे जैसे लोग सिर्फ अमीर बनने का सपना देखते हैं, पर अमीर कभी बन नहीं पाते। तुझे कभी माफ नहीं करूंगी भिखारी, फेलियर कहीं का। कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में प्यार की, सब कुछ पैसा है, सब कुछ पैसा है। कहती है प्यार में मर के दिखाओ, पर प्यार साबित करने के लिए मरना होता है। तू मर के दिखाऊंगा, मैं मर के दिखाऊंगा। मुझे माफ करना मम्मी पापा, मुझे माफ करना। प्रिय मित्र, आशा करता हूँ कि तुम लाचार अपनी जिंदगी से परेशान हो, अपने पराये हो गए, जिंदगी में खोने को कुछ नहीं बचा, बहुत बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो इस पत्र में दिए गए पते पर कल सुबह 8 बजे उपस्थित हो जाएं। जान पहचान मिलकर करते हैं। शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। मर गया है तू हमारे लिए। जुए की लत में, शेयर मार्केट की लत में तूने सब खत्म कर दिया। रोड पे ले आया ना अपने माँ बाप को, मिल गई तसल्ली। अब चला जा यहाँ से, अपनी गंदी शक्ल मत दिखाना मुझे, चला जा। मैंने अपने हाथों से मेरा सब कुछ बेच दिया प्रभु, शेयर मार्केट के लालच में मेरा घर तक बिक गया प्रभु, मेरे मैं कर्जे में डूब गया हूँ प्रभु। अब बस मैं बस ये जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ प्रभु।
आखिरी बार आपको प्रणाम करने आया था। प्रिय मित्र, आशा करता हूं कि तुम लाचार हो, अपनी जिंदगी से परेशान हो, अपने पराये हो गए, जिंदगी में खोने को कुछ नहीं बचा, बहुत बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, तो इस पत्र में दिए गए पते पर कल सुबह 8 बजे उपस्थित हो जाएं। जान पहचान मिलकर करते हैं। स्वागत है आप दोनों का। लो खोलो इसे। मैं जानता हूं तुम लोगों के पास रखने के लिए फोन के अलावा और कुछ भी नहीं है, सो कुड यू प्लीज पुट योर फोन बॉक्स। हम फोन क्यों रखेंगे अपना? हम यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं, फोन रखने नहीं। फोन वोन मैं भी नहीं रखने वाला, मैं क्यों रखूं अपना फोन? ये हमारे यहाँ के प्रोटोकॉल्स और आपको इन्हें फॉलो करने होंगे। लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों? अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए। देखिए, हमारी जिंदगी में पहले ही बहुत भूचाल आया हुआ है और ऊपर से आप लोग भी फर्जी निकले ना, तुम बता रहे हैं किसी को छोड़ेंगे नहीं? अगर आपको इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना है तो आप अभी भी वापस जा सकते, नहीं तो इस पर्ची में जो लिखा है वो करना होगा।
मैंने तुमसे कहा था एनी हाउ प्लानिंग के रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब प्लानिंग के रूल्स ब्रेक होते हैं तो प्लान फेल होता है और वो मुझे अच्छा नहीं लगता। I'm the king of the dark, this villain is sent cold. Our times are lethal, they make your heart bold. I walk the shadows, causing havoc and despair. You can't escape my wrath, I'm everywhere. I've got a smirk on my face, a devilish grin. I'll take you down and I won't let you win. स्ट्रीट हाइस्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रूफी और ये है मेरा असिस्टेंट वसंत कुमार। गांव का था, कुछ दिन पहले तुम लोगों की ही तरह यहां पर आया था, परेशान था, गिड़गिड़ा रहा था, बेचारा लाचार। मां अस्पताल में है, बाप मर गया है, बहन की शादी करानी है, you know, lots of pain. I can't see. इसलिए हम यहां टूटे दिलों को जोड़ते हैं, मायूस दिलों को हंसाते हैं और साथ ही साथ देते हैं बहुत सारा पैसा कमाने का मौका। लेकिन ये चूहे बिल्लियों का खेल नहीं है, ये रस का गेम है। पर ये क्या है, ये मरा पड़ा हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं यहां पैसों के लिए आया हूं, ये सब क्या है? पैसे कमाने के लिए रिस्क लेने पड़ते हैं, ले पाओगे? हम तो पहले ही मर गए थे। हमें शादी करनी है हमारी गर्लफ्रेंड से, और उसके लिए जो भी रिस्क लेना होगा हम लेंगे, हमारे लिए कोई भी रिस्क बड़ा नहीं है, हम तैयार हैं। मुझे भी मेरे माँ बाप का सपना पूरा करना है, मुझे भी मेरा शेयर मार्केट में डूबा हुआ घर वापस चाहिए, मुझे भी मेरा कर्जा चुकाना है, मुझे भी पैसों की जरूरत है, मैं भी करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है? तो सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो प्लान ये है कि जो जगह तुम लोगों को दिखाई दे रही है, कल यहां पर एक लेन देन होने वाली है, दो पावरफुल पार्टीज के लोग यहां पर मिलने वाले हैं। साथियों, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अभी ये जानना है कि हम चोरी करने वाले कहां हैं। तो ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहां पर जाने के लिए दो मेन गेट है, उन दोनों गेटों पर उनके बॉडीगार्ड्स बंदूक लेकर उनका इंतजार करेंगे। मालिक अक्सर अपने चपरासी को, अपने गार्ड्स को रखवाली के लिए घर के बाहर छोड़ते हैं, और यही इस चोरी की सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि फिर हमें मिलेंगे पूरे 2 मिनट। हमें उन 2 मिनट में किसी भी तरह बस उन्हें अपनी बातों में उलझाना है और उस बैग को एक्सचेंज करना है, क्योंकि अगर हम वहां से बैग छीन कर भागने की कोशिश करते हैं तो पीठ या पेट क
कहीं पर भी गोली लग सकती है। उस बैग में ऐसा क्या है? राइट, मैं भी यही पूछने वाला था। वहां दो बैग हैं। एक बैग में होगा तकरीबन 40-50 लाख रुपए। लेकिन उस वक्त ये बस हमारे लिए एक चवन्नी हो, क्योंकि दूसरी तरफ दूसरे बैंक में एक डिस्क है। उस डिस्क में लाखों सिटीजन्स के बैंक डिटेल्स हैं जो उन्होंने लोन लेने के लिए अप्लाई किया है। अगर किसी भी तरह हम उस डिस्क को चुराने में कामयाब हो जाते हैं तो हम रातों रात करोड़ों के मालिक हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली हिस्से होंगे चार। रोहित, तुम अपनी गाड़ी को ठीक यहां बीच सेंटर में खड़ी करोगे। If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all. और जितनी जल्दी हो सके तुम सब इन खड़ी गाड़ियों के पीछे जाकर छिप जाओ। और उनके आने का इंतजार करोगे एंड मेरे फोन कॉल का भी। हेलो हेलो हेलो, हम जुड़ गए। हेलो हेलो, यू गाइस रेडी? यस बॉस। हाँ सर, मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा डर लग रहा है सर। हम भी तैयार हैं सर, पर घबराहट तो हमें भी हो रही है। बस थोड़ी देर और। ये घबराहट, ये डर, इस पल का मजा लो। सर, दूसरा आदमी भी आ रहा है सर। काम डाउन, कोई गलती मत करना। सर वो दोनों एक दूसरे के करीब पहुंच रहे हैं। ये क्या? जैसा बैग इनके पास है वैसा हमारे पास कोई बैग नहीं है। मर गए, अब क्या करेंगे? सर क्या करना है? ये लोग सच कह रहे हैं। एक मिनट, पहले बैग एक्सचेंज होने वाला था, प्लान एक्सचेंज होगा। अब तुम लोग उस बैग को छीनोगे। ये क्या नया नाटक है? हमें यहाँ पर विश्वास नहीं हो रहा। हमें मरना नहीं है, हम जा रहे हैं छोड़ के। अरे यार, ये सब क्या है? ये तो बंदूक वालों से बैग एक्सचेंज कर रहे हैं, ऊपर से इतना कंफ्यूजन। हम लोग मजबूर हैं, बेवकूफ नहीं। आप फंसाइए मत हमें, मैं जा रहा हूँ ये सब छोड़कर। तो शायद तुम्हें मैं बेवकूफ नजर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं बेवकूफ हूँ जो आपकी बातों में यहाँ आकर फंस गया। तू पहले शांत हो जाओ, कोई नहीं फंसा है। हमें यहाँ से निकलना है, हमें यहाँ से निकलना है। सर आपको कुछ ना कुछ फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। बैग बदलना इत्तेफाक भी हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर हमारे लिए तो बड़ी बात है, अगर हम पकड़े गए तो जीवन भर के लिए जेल जाएंगे। सर कोई करे या ना करे, लेकिन हम तैयार हैं। आप पर इतना भरोसा करते हैं कि हम आपके लिए जान भी दे सकते हैं। बस आप कहिए। रितेश, तुम
शायद तुम किसी से प्यार नहीं करते, बस ढोंग भरा है तुम्हारे अंदर, जीवन जीने की ललस नहीं है। शायद इसीलिए छोड़ा है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें। और रोहित तुम शेयर मार्केट में जब तुम अपना सब कुछ बेचकर अपने माँ बाप के साथ रस्ते पर आ गए थे, तब मुझे लगा था तुम्हारे अंदर आग है गरीबी को जलाने की। मुझसे गलती हो गई, मुझे अब लगता है कि मैंने रगड़े घोड़ों पर दांव लगाई है, जिन्हें मजा आता है, जिन्हें मजा आता है गरीबी की दलदल में रेंगने में, कोल्हू बैल की तरह मरने में। मुझे अफसोस रहेगा तुम सभी के लिए। सर, सर उनकी बातचीत खत्म हो गई, उन लोग बैग लेकर निकल रहे हैं। सर टाइम बहुत कम है, जल्दी बताइए सर। बेटा 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 अब जो भी होगा देखा जाएगा, मैं तैयार हूँ। चलो यहाँ गोली पड़ी तब भी कल्याण हो जाएगा, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। कूल, अब भी हमारे पास एक मिनट का समय बचा है, जाओ दोस्तों बदल लो अपनी तकदीर। आगे नदी है, यहां से हमें आगे पैदल जाना होगा। प्यारे मित्रों, जैसा मैंने तुम्हें बताया है कि हिस्से बस दो होंगे, और ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है। ध्यान रहे इस बात की भनक तुम्हारे साथियों को ना लगे। हाय गाइस, आई होप कि आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया होगा, और ये है मेरी छोटी सी टीम। तो गाइस, अगर आप सभी को ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,